नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। सावन का महीना है, मुसलमान से नहीं लेंगे खाना, लेकिन मुस्लिम महिला पर अभद्र, अश्लील और भद्दी टिप्पणी करने में आप जरा भी नहीं चूकेंगे। भले ही मामला थोड़ा पुराना हो गया हो, लेकिन अब उठा है तो इस पर बात करनी तो बनती है। लगातार इतने समय से चला आ रहा जोमैटो पर विवाद अब तूल पकड़ चुका है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से जिस ग्राहक ने सावन का हवाला देकर मुस्लिम डिलीवरी बॉय से खाना लेने से इनकार कर दिया, उन्हें ऐसा करना अब भारी पड़ गया है। उन्होंने बकायदा ट्वीट करके ये लिखा कि वो मुस्लिम लड़के के हाथों से खाना बिल्कुल भी नहीं ले सकते। हालांकि इस पर बहस छिड़ी कि मुस्लिमों ने भी तो हिंदू भाजपाइयों की दुकानों से सामान लेने से इनकार किया था, तो अब अगर हम मना कर रहे हैं तो आपत्ति क्यों? खैर छोड़िए ये मसला, फिलहाल बात कर रहे हैं इस मुद्दे की। जिस व्यक्ति ने मुस्लिम युवक से खाना लेने से इनकार किया, उन्होंने साल 2013 में तस्लीमा नसरीन को लेकर एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी की, ट्वीट किया। मुंह से बोलने में हमें और कानों से सुनने में आपको शर्म आ सकती है, इसलिए बेहतर है कि आपको ये ट्वीट दिखाया जाए। तस्लीमा नसरीन जानी मानी लेखिका है और जोमैटो से ऑर्डर कैंसिल करने वाले पंडित शुक्ला ने सावन का हवाला देकर मुस्लिम युवक से खाना लेने से इनकार किया, उनके लिए अब ऐसा करना भारी पड़ गया। यूं कह लो कि उन्होंने मुसीबत खुद मोल ली है। जोमैटो विवाद बुरी तरह से चारों ओर आग की तरह फैल चुका है। रात में ऑफिस से देरी से घर पहुंचने वालों का एकमात्र सहारा है जोमैटो, घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वालों का सहारा है जोमैटो, मम्मी की बनाई लौकी तोरी के बाद फुलाए गए मुंह पर मुस्कुराहट लाने का सहारा है जोमैटो। लोगों ने भर भर कर फेसबुक पर कॉमेंट किया #IDon'tHateZomato। तो मसला ये है कि दुनिया अपनी भूख के आगे धर्म को देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जोमैटो ने ट्वीट किया है कि खाना खुद एक धर्म है। शायद आपको भी ये बात रास नहीं आई होगी कि महज इस बात से कि आपका खाना लाने वाला व्यक्ति मुसलमान है, आप उससे खाना नहीं लेंगे। अब तक मुद्दा ये था कि ग्राहक ने मुस्लिम युवक होने के कारण खाना लेने से इनकार किया, लेकिन ऑर्डर कैंसिल करने वाले युवक को मुस्लिम महिला मशहूर लेखिका पर अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया, ये बड़ा सवाल है। इसमें दो बातें सामने आती हैं, या तो दूसरे धर्म को लेकर संकीर्ण सोच इन ग्राहक के मन में अभी अभी पैदा हुई है, या ये कह लीजिए कि उन्हें मुस्लिम युवक से खाना लेने में तो परहेज है, लेकिन मुस्लिम महिला पर अश्लील टिप्पणी करने से उन्हें कोई परहेज नहीं है। इस खबर में सबसे बड़ी बात यह है कि खुद तस्लीमा नसरीन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ग्राहक का ये बेहद सालों पुराना अभद्र कमेंट शेयर किया है और इस पर खासा गुस्सा भी व्यक्त किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि इस शख्स ने ना सिर्फ तस्लीमा पर बल्कि प्रियंका चोपड़ा को भी नहीं बख्शते हुए कई अभद्र शब्दों का उनके लिए भी प्रयोग किया। फिलहाल शेयर गए ट्वीट्स ने बवाल मचा दिया है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे तो जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका सुझाव और आपकी टिप्पणियां हमारे लिए बेहद मायने रखती हैं। इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे ऐसी और बड़ी खबरों को लेकर। नमस्कार।